कि मेरी सरकार बनने के कुछ ही महीनों में वे भारत आए हैं। मैं चीन के साथ संबंधों को बहुत महत्व और प्राथमिकता देता हूं। दोनों देशों की प्राचीन सभ्यताएं हैं और हमारे संबंध भी उतने ही प्राचीन हैं। चीन हमारा सबसे बड़ा पड़ोसी है। भारत के राष्ट्र निर्माण और विदेश नीति में पड़ोस का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। आज हम दुनिया के दो सबसे बड़ी आबादी वाले सबसे बड़े विकासशील देश हैं। दोनों देश बड़े पैमाने पर आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन में जुटे हुए हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इन संबंधों में आपसी विश्वास और भरोसा हो, एक दूसरे की चिंताओं और संवेदनशीलता का आदर हो, संबंधों में और सीमा पर शांति और स्थिरता रहे, मित्रता और सहयोग हो। अगर यह रहे तो हम इन संबंधों की अपार क्षमताओं का पूरा कर सकते हैं, एक दूसरे के विकास में योगदान दे सकेंगे, साथ ही साथ इस क्षेत्र की शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ा सकेंगे और विश्व अर्थव्यवस्था को नई दिशा और ऊर्जा दे सकेंगे।尊敬的习近平主席和媒体朋友们，我非常高兴欢迎习近平主席到印度访问。我令我特别荣幸的是，在新政府上任几个月之内，欢迎他对印度进行访问。 我高度重视我们对中国的关系，我们两国是文明古国，有我们的关系是历史悠久的。中国是印度最大的邻国，在印度的我们的国家发展计划当中，以及我们的外交政策当中，印度的邻国占一个非常重要的角色。我们两国是世界最大的人口大国，也是最大的发展中国家。我们两国正在有 快速的进行经济发展和经济转换，因此我们认为要增加互信、增加信任，我们要照顾彼此的关系和愿望。我们的关系上以及我们的边界上要保持和平与稳定，这个是必要的，要让我们实现我们两国关系的九大潜力。如果我们能够实现的话，我们可以巩固 彼此的经济发展，也可以为了整个地球的和平、稳定和繁荣做出贡献，以及给整个国际经济注入新的动力。पिछले दो दिनों में अहमदाबाद और दिल्ली में हमें भारत और चीन के संबंधों में हर विषय पर बातचीत करने का मौका मिला, जैसे राजनीतिक और सुरक्षा के मुद्दे, आर्थिक संबंध और लोगों के बीच के संपर्क। हमने तय किया है कि अपने आदान प्रदान को हर स्तर पर बढ़ाएंगे, शिखर सम्मेलन का सिलसिला बनाए रखेंगे। 过去的两天当中，在阿姆大巴和德里，我们有得到了机会讨论我们两国关系的所有的相关的问题，包括政治、韩卷问题、经济关系和人文交流等。我们已经决定要加强我们每个层次的交往，以及要频繁的举行高级别的会面。हम दोनों का विचार है कि हमारे आर्थिक संबंध क्षमता से बहुत कम है। मैंने उनसे इसकी चिंता प्रकट की कि हमारे ट्रेड की गति कम हुई है और ट्रेड इम्बैलेंस भी बढ़ा है। मैंने उनसे अनुरोध किया है कि हमारी कंपनियों को चाइना में मार्केट एक्सेस और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज और आसान कराएं। मुझे प्रेसिडेंट सी जिनपिंग ने आश्वस्त किया है कि इस विषय पर ठोस कदम उठाएंगे। 我们两位达成了一致。
就是我们的经济，目前的经济关系远远超过我们的潜力。我对我日益下降的贸易发展和日益恶化的贸易逆差表示关切。我希望习近平主席和我们经济合作，在对给印度企业在中国准入市场等方面给很巨大的便利。习近平主席作出承诺，要致力于采取具体的措施，要处理我们面临的问题。 साथ ही साथ मैंने भारत में विशेषकर इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चर क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट के लिए आमंत्रित किया है। नई पॉलिसीज एवं एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स के बारे में उन्हें अवगत कराया है। मुझे प्रसन्नता है कि आज भारत में 2 चाइनीज इंडस्ट्रियल पार्क बनाने पर समझौता हुआ है और उन्होंने 5 साल में 20 बिलियन डॉलर्स की चाइनीज इन्वेस्टमेंट कराने का कमिटमेंट भी किया है। यह आर्थिक संबंधों का एक न्यू चैप्टर है। रेलवे के क्षेत्र में हमने आज सहयोग के कुछ ठोस निर्णय लिए हैं। सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन के लिए बातचीत शुरू करेंगे। यह हमारे एनर्जी कोऑपरेशन को एक नए स्तर पर पहुंचा सकता है। 我也邀请中国企业投资印度的基础设施和制造行业。我们也跟习近平主席介绍我们在这一方面采取的一些新的政策和措施。令我非常高兴的是，我们签署2个协定，中国在印度建立工业园区，而且中国也在未来5年当中，在印度投资200亿美元。 这个就是我们经济关系的新的一个文章，我们也同意采取一些具体的措施，增加强在印度铁路等这一方面的合作。我们正在讨论民用核能这一方面的合作，这个合作能够加强我们在能源安全方面的合作。 मैं दोनों देशों के 5-year economic एंड ट्रेड डेवलपमेंट प्लान को एक अहम कदम मानता हूं और मैं उसका स्वागत करता हूं। 我们两国之间签署的经贸关系5年计划是一个非常重要的一个著作，而我对此表示欢迎。 आज हुए समझौतों और घोषणाएं यह दिखाते हैं कि अपनी साझेदारी को बढ़ाने में हम लोगों के बीच संपर्क और कल्चर टूरिज्म और आर्ट को केंद्र बिंदु मानते हैं। 今天我们签署的协议和宣布都反映出我们要加强我们的合作伙伴关系，那需要加强人文交流、文化旅游和艺术等方面的交流，而这些交流将非常重要的角色。 मैं प्रेसिडेंट सी जिनपिंग का भारत के सभी लोगों की तरफ से इस बात का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नाथुला से एक नया रास्ता खोलने की अनुमति दी है। यह नया रास्ता उत्तराखंड के रास्ते के अतिरिक्त होगा। नाथुला के रास्ते से कई सुविधाएं हैं। मोटर से कैलाश मानसरोवर तक यात्रा की जा सकती है। इससे विशेषकर बूढ़े तीर्थयात्रियों को लाभ होगा। तीर्थयात्रा कम समय में पूरी की जा सकेगी और अब भारत से काफी मात्रा में तीर्थयात्री कैलाश मानसरोवर जा सकते हैं। कई मायनों में यह नया रास्ता बरसात के मौसम में भी सुरक्षित होगा। 我代表印度人民感谢习近平主席经纳杜伊拉开辟去神山城湖的新的路线。这个路线是已经有的乌达克邦的一个路线之外的一个新的路线，而这一路线提供很多的便利。这个通过这个路线，我们可以开车过去，对老年人来说也非常好，而且在邮寄的时候也很安全的。
而且时间也很短，因为开辟了这个新的路线，更多的印度腔客也可以去朝上。 जहां हमने अपने संबंधों को बढ़ाने की बात की है, हमने साथ ही साथ मित्रता की भावना से कुछ कठिन विषयों पर खुलकर के बातचीत की है। 在我们讨论加强我们之间的合作的时候，我们也是在友好的气氛中坦率地交换一些相关维解问题有关的一些看法和意见。 मैंने सीमा पर जो घटनाएं हुई हैं उस पर चिंता प्रकट की है और कहा है कि इन्हें सुलझाना आवश्यक है। हम इस बात पर सहमत है कि सीमा क्षेत्र में शांति और स्थिरता हमारे आपसी विश्वास और संबंधों की नींव है। यह दो देशों की एक महत्वपूर्ण सहमति है और इसका दृढ़ता से पालन किया जाना चाहिए। हमें बाउंड्री क्वेश्चन को जल्दी हल करना चाहिए। 我对边境地区发生的一些事情、一些情况表示我们的严重的关切。我们两国有同意，在边境地区保持和平与安宁是我们两国关系的一个必要的基础，要让我们增加相互的理解和相互信，也可以挖掘出我们两国关系的九大的潜力。 हमारे सीमा संबंधी समझौते और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स से फायदा हुआ है, परंतु मैंने यह भी सुझाव दिया है कि सीमा पर शांति और स्थिरता के लिए एलएसी की क्लेरिफिकेशन बहुत बड़ा योगदान दे सकती है। यह कई सालों से रुका हुआ है और इस कार्य को दोबारा शुरू करना चाहिए। 当然，我们与边境边界有关的协议和建立行政措施，也很有用。但是与此同时，我也提出一个建议，就是澄清确认实际工资线的过程会大幅的做出。 做出贡献来，让我们保持边境地区的和平与安宁。我们这个过程很多年以来停止不久，我们希望恢复这个过程。मैंने चीन की वीजा पॉलिसी और ट्रांस बॉर्डर रिवर्स पर हमारी चिंताएं प्रकट की, क्योंकि मेरा मानना है कि इस तरह के विषयों का समाधान होने पर आपसी विश्वास और संबंध एक नए स्तर पर पहुंच पाएंगे। 同时，我们也讨论了对中国的签证政策和跨境河流有关的印度的关切。我相信这一方面早日得到解决，会大幅的提高我们两国之间的政治互信，而把这个政治互信提升到新的水平。 हमने क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर भी अच्छी बातचीत की है। इन विषयों पर अपने स्ट्रेटेजिक डायलॉग को मजबूत करने का भी निर्णय लिया है। एक शांतिपूर्ण और स्थिर क्षेत्र में हम दोनों देशों में के हित में है। इसमें एक शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध अफगानिस्तान की भी आवश्यकता है। आतंकवाद और अतिवाद के विरुद्ध हम अपना सहयोग बढ़ाएंगे। विश्व स्तर पर भी अपने साझे हितों पर सहयोग बढ़ाएंगे। 我们对地区和国际问题上也进行了富有成效的讨论。我们同意在这些问题上加强我们的战略对话。我们都理解印度和中国有共同的利益，我在这个地区保持和平与稳定，而在阿富汗国家保持和平稳定和繁荣，我们这方面也交换了意见。 我们对恐怖主义和极端主义要开展反对这个恐怖主义和极端主义要开展更密切的合作。我们也同意在全球层面开展更紧密的合作。Regional connectivity
और इसके संदर्भ में BCIM इकोनॉमिक कॉरिडोर पर भी बातचीत हुई। भारत एशिया के चौराहे पर है। मैं मानता हूं कि एशिया के विभिन्न क्षेत्रों को जोड़ने से एशिया की समृद्धि बढ़ेगी, लेकिन फिजिकल कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए इस पूरे क्षेत्र में विश्वास, शांति, स्थिरता और सहयोग का माहौल बनाना जरूरी भी है। 我们也讨论了互联互通和地区性互联互通有关的问题，这一方面也讨论了孟中印缅经济走廊。印度是在亚洲，在亚洲将非常重要的地位，而我们认为，在亚洲的提高互联互通是有利于它的繁荣。但是与此同时，我们 अंत में मैं कहना चाहूंगा कि भारत और चीन के लिए यह एक ऐतिहासिक अवसर है जो अपार संभावनाओं से भरा हुआ है। हम अपने संबंधों के नए फेज की शुरुआत कर सकते हैं अगर हम अपने अवसरों को और चुनौतियों को पूरी तरह से ध्यान में रखें, तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम इसे सफल बनाने में अपने दायित्व पूरी तरह से निभा पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। 最终我想说的是，我们两国关系已经有非常历史性的难得的机会，而我们两国都有非常大的合作可能性。 May I now request His Excellency, the President of China, to make his media statement. 下面请习近平主席致辞。尊敬的莫迪总理，各位部长、女士们、先生们，各位记者朋友们，很高兴同大家见面。我愿意通过你们，转达中国。